चार दिवस अमेरिका प्रवासी रहेला वडाप्रधान मोदी यूएस कैपिटल हिल्स खाते अमेरिकी कांग्रेस संयुक्त सत्र ने संबोधित कर जेमां भारत यूएस रिलेशनशीप पर भार मूक्यो तो साथ कहूं कि लोकशाही अपना पवित्र और सहियारा मूल्यों एक है। समग्र इतिहास में एक बात स्पष्ट है कि लोकशाही एक भावना है जो समानता और गौरव ने समर्थन आपे। लोकशाही एक विचार है जो चर्चा और चर्चा ने आवकारे। लोकशाही एक संस्कृति है जो विचार और अभिव्यक्ति ने पांखो आपे। प्राचीन काल थी भारत ने आवा मूल्य नो आशीर्वाद मळ्यो छे। अमेरिका प्रवासे रहेला वडाप्रधान मोदी माटे व्हाइट हाउस माथी विशेष डिनर आयोजित थयुं हतुं जेमां पीएम मोदीए कह्युं के बाइडन परिवार नो आभार तो साथे तेमणे कह्युं के बाइडन ने लगभग एक दायका पहला प्रथम वखत मळ्यो हतो ज्यारे ते उपराष्ट्रपति हता। आजे पण हुं तमारामां ए ज प्रतिबद्धता अने ऊंडाण जोउं छुं तेवो मृदुभाषी छे परंतु क्रियामां मजबूत छे। तमारी यात्रामां डॉक्टर जिल बिडनो मोटो फाळो रह्यो छे। हाल वडाप्रधान मोदी यूएसना प्रवासे छे ते दरमियान अमेरिकी कांग्रेस संयुक्त बैठक में वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी संबोधन पहला भारतीय समुदाय सभ्यों यूएस कैपिटल बहार भेगा थया हता। त्यारबाद भारत माता की जय वंदे मातरम और वेलकम मोदी नारा लगाव्या। वडाप्रधान मोदी अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन साथ द्विपक्षीय बातचीत करी थी जेमां बंने देशों साथ संबंधों मजबूत करने पर भार मूक्यो हतो। जो बाइडने पण गरीबी तेमज जलवायु प्रदूषण सामे लड़वा माटे भारतनी मदद मांगी हती। द्विपक्षीय बातचीत में नरेन्द्र मोदी और जो बाइडन वच्चे शिक्षण टेक्नोलॉजी और संरक्षण आदान प्रदान पर चर्चा करवामां आवी हती। व्हाइट हाउस तरफ थी आ मुलाकात बाबते बने देशों संबंधों वधु मजबूत थशे तेम आशावाद व्यक्त करायो हतो। वडाप्रधान मोदी की स्टेट विजिट बीजा दिवसे जो बाइडन साथी द्विपक्षीय बैठक पहला वडाप्रधान मोदी स्वागत करवामां आव्युं हतुं। आ स्वागत बाद पोताना संबोधनमां वडाप्रधाने आ स्वागत ने 140 करोड़ भारतवासीनुं सन्मान गणाव्युं। आ उपरांत तेमणे जणाव्युं कि 3 दशक पहला साधारण नागरिक तरीके हुं यूएस आव्यो हतो। ए समय व्हाइट हाउस ने सफक्त बहारथी जोयुं हतुं। आ पहली वखत छे ज्यारे व्हाइट हाउस ना दरवाजा भारतीय अमेरिकन माटे खोली देवामां आव्या छे। वैश्विक शांति और समृद्धि माटे बंने देशों साथे मळीने काम करवा प्रतिबद्ध होवानी वात पण तेमणे करी हती। वडाप्रधान मोदी अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडने व्हाइट हाउस में राजकीय स्वागत कर। व्हाइट हाउस में भारत राष्ट्रगीत साथ वडाप्रधान मोदी स्वागत करायु। जो बाइडने आ समय आह्वान कर भारत अमेरिका साथ मिली काम करे। जो बाइडने जणाव्यु कि भारत अमेरिका साथ मिली गरीबी हटावा और जलवायु प्रदूषण दूर करने काम करे। जो बाइडने भारत अमेरिका वच्चे संबंधों मजबूत थवानी आशा व्यक्त करी। आ समय मोटी संख्या में भारतीय उमटा था। वडाप्रधान मोदी अमेरिका प्रवास बीजा दिवसे व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडन ने मळ्या। मुलाकात दरमियान पीएम मोदी बाइडन ने लंडन की फेबर एंड फेबर लिमिटेड द्वारा प्रकाशित करवामां आवेली 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद की पहली आवृत्ति भेट में आपी। पीएम मोदी यूएस प्रमुख जो बाइडन ने भेट में आपेला बॉक्स में चांदी सिक्को है जेने राजस्थान कारीगरों द्वारा तैयार करवामां आव्यो हतो। तेने चांदी दान तरीके रजू करवामां आव्यो। आ साथे बॉक्स में भगवान गणेश की मूर्ति और चांदी तेल नो दीवो पण भेट में अपायो। आ साथे गुजरात नु मीठू पण भेट में आपवामां आव्युं हतुं। वर्जिनियामां आवेला नेशनल साइंस फाउंडेशन में वडाप्रधान मोदीए यूएसना फर्स्ट लेडी जिल बाइडन साथे मुलाकात करी। आ दरमियान बंने शिक्षण क्षेत्र चर्चा करी। आ दरमियान यूएसमां भारतना राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू पण हाजर रह्या। आ विषे वात करता अमेरिकाना फर्स्ट लेडी जिल बाइडने जणाव्युं कि जो आपणे अर्थतंत्रने मजबूत बनावा मांगीए छीए तो अपने युवान लोगों ने वधु प्रोत्साहित करवानी जरूर छे। युवाओं ने तेमनी लायकात प्रमाणे तक मळे ए सुनिश्चित करवो आपणी जवाबदारी छे। क्लीन एनर्जी और मेन्युफेक्चरिंग क्षेत्र घणी नौकरीनुं सर्जन करवामां आव्युं छे। वर्जिनियामां यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडन साथ मुलाकात दरमियान वडाप्रधान मोदीए जणाव्युं कि विकासने जाळवी राखवा माटे अमेरिका ने भारत ने टेलेंटनी जरूर छे। अमेरिका में टोचना शैक्षणिक संस्थान और टेक्नोलॉजी छे तो बीजे तरफ भारत पास सौथी मोटी युवा फेक्टरी छे। आ माटे मने लागे छे कि अमेरिका और भारत की भागीदारी सस्टेनेबल ग्रोथ माटे निर्णायक साबित होशे। भारत वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी वॉशिंग्टन में जनरल इलेक्ट्रिक चेरमेन एच लॉरेंस कल्प जूनियर ने मळ्या। थोड़ा कलाकों बाद बहुराष्ट्रीय समूह की एरोस्पेस शाखाए जाहरात करी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साथ फाइटर जेट एंजीन बनावा वायुसेना साथ करार पर हस्ताक्षर कर। जीई एरोस्पेस द्वारा जारी करवेदन में कहमें कि वडाप्रधान मोदी की यूएस की राज्य मुलाकात और बंने देशों वच्चे संरक्षण सहयोग ने मजबूत कर एक महत्व निर्णय रहें। एटलांटिक महासागर में गुम थे टाइटेनिक सबमरीन पायलट और मुसाफरो मृत्यु पम्या हो मनाय।
एपीना रिपोर्ट अनुसार सर्च अभियान में लागेली कंपनी गुरुवारे आ वात कही। अगाउ यूएस कोस्टगार्डे कहूं कि गुम थे सबमरीन की शोध करती वक्त टाइटेनिक जहाज पास काटमाण मिली आयो थो। गुम थे सबमरीन की ऑपरेटिंग कंपनी ओशन गेटे कहूं कि माने कि सबमरीन में सवार तमाम मुसाफरो दुखद रीते गुम थे। कंपनी निवेदन में कहूं कि आ दुखद समय अमरा विचारों पांच मुसाफरों परिवार ने दरेक सभ्य साथ है। अमे अकस्मात पर शोक व्यक्त करे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका प्रवास बाद दिल्ली पहुंचा, जो कि भाजपे हम सवाल उठाया। बीजेपी आईटी सेल वड़ा अमित मालवीय एक ट्वीट में राहुल गांधी पर निशान साधता कहूं कि राहुल गांधी विदेश में आटलो समय केम विताव्यू। वधु में कहूं कि विदेशी एजेंसी ने भारत विरोध करता जूथों साथ गुप्त बैठकों असंख्य अहवा आ मुलाकातों हेतु विषय वधु सवाल उभा करे। हाल में फीच नामक एक रेटिंग एजेंसी चालू नाणकीय वर्ष 2023-24 में भारत ना जीडीपी वृद्धि अंदाज ने 6% की वधारी 6.3% करो। अर्थ यह थो कि फीच रेटिंग्स ने अगाउन अंदाज में 0.3 पॉइंट वधारो करो। अगाउ फीचे भारत विकास दर 6% रहने अंदाज मुको। जान्युआरी मार्च क्वार्टर सारा विकास दर ने ध्यान में राखी रेटिंग एजेंसी फीचे चालू नाणकीय वर्ष भारत जीडीपी वृद्धि अनुमान वार्यू। आ पहला पांचना नाणकीय वर्ष 2022-23 में भारत विकास दर 7.2% हो, जारे कि 2021-22 में देश की अर्थव्यवस्था 9.1% दरे वृद्धि पमी। पटना में विपक्षी पार्टियों की एक भव्य बैठक थवा जा रही है। लगभग 18 पक्षों नेताओं ने एक मंच पर लाने शक्ति प्रदर्शन करते। बैठक में 2024 लोकसभा चूंटी में भाजपा ने हरा रणनीति घड़ाशे। बैठक में वधु ने वधु नेताओं ने सामेल करने बिहार नीतीश कुमार दिल्ली की दक्षिण प्रवास करो। बिहार की राजधानी पटना में आज विपक्षी दल की बैठक योजना 15 जिला विपक्षी दलों अध्यक्ष और तेना नेता बैठक में हाजर रहते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आ बैठक में हाजरी आपी सके। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे स्वागत में पटना में कांग्रेस कार्यालय बाहर पोस्टर लगाया गया। पीडीपी पार्टी नेता महबूबा मुफ्ती विपक्षी दल की बैठक में हाजरी आप पटना पहुंचा। भाजपा सांसद सुशील मोदी जणाव्युं कि लोकसभा में जे पार्टी एकपण सांसद नहीं ए 303 बैठक पर जीत मेळवनारी पार्टी ने पड़कार आपी रही है। बिहार में भाजप तमाम लोकसभा बैठक पर जीत मेळवशे। वर्ष 1977 में जयप्रकाश नारायणे विपक्षी दलों ने एक साथ लावी जनता दल की रचना करी थी, जो कि आज विपक्षी दलों साथ आवा तैयार नहीं। लोकतंत्र ने बचाववा माटे नहीं परंतु परिवार ने बचाववा माटे आ सम्मेलन करवामां आवी रह्युं छे। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जणाव्युं कि अमने कोई डर नहीं, अमारा मुद्दा एक है तो अमे अलग अलग चूंटणी केम लड़िए। घणा विपक्षी दलों समान विचारधारा धरावे छे, अमारा मतों की वेचनी केम थवा दईए। एनडीए में घणा दल सामेल हता तो शुं तेवो कोईना डरथी साथे आवे हता? आ प्रकारनी वात पायाविहोणी छे। अमे लोकतंत्र ने बचाववा मांगीए छीए। नीतीश कुमार अने हुं वधुमां वधु विपक्षी दलों ने साथे लावा मांगीए छीए। विपक्षी दलों की बैठक में केटलाक नेता तो एवा छे जे पीएम मोदी करता पण वधु राजनीतिक अनुभव धरावे छे, तेवो पण बैठक में पोतानो अभिप्राय आपशे। मणिपुर हिंसा ने लई केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली खाते 24 जून रोज एक सर्वदलीय बैठक बोलावामां आवी। आ बैठक में मणिपुर हिंसा की स्थिति विषय चर्चा करवामां आवशे। बैठक ने लई राहुल गांधी ने वडाप्रधान मोदी पर प्रहार कर्या। तेमणे ट्वीट करी वडाप्रधान पर आक्षेप करता कहूं कि छेल्ला 50 दिवस सुधी मणिपुर में हिंसा थई रही छे। आ दरमियान प्रधानमंत्री आ मामले मौन रह्या। हवे सर्वदलीय बैठक पण अत्यारे बोलावामां आवी रही छे, ज्यारे प्रधानमंत्री पोते ज देश में नथी, जेनाथी स्पष्ट थाय छे कि मणिपुर में हिंसा मामले थवा जई रहेली बैठक वडाप्रधान माटे महत्वनी नथी। दिल्ली खाते कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाले केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह द्वारा 24 जूने मणिपुर की स्थिति पर काबू मेळवा बोलावामां आवेली सर्वपक्षीय बैठक पर तीखी प्रतिक्रिया आपी हती। वडाप्रधान मोदी पर निशान साधता जणाव्युं कि मणिपुर में छेल्ला 53 दिवसथी सळगी रह्युं छे, त्यारे अमे पीएम मोदी की मुलाकात की अपेक्षा राखी रह्या हता। वडाप्रधान ने मळवा माटे छेल्ला 10 दिवसथी हुं अहीं ज होवा छतां तेओ मळ्या नहीं, तेमज एक शब्द पण बोल्या नहीं। हवे दिल्ली में बैठक नो शुं फायदो? केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दुर्ग की मुलाकात दरमियान छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आकरा प्रहार कराया। जणाव्युं कि कांग्रेस राज्य में दारूबंदी जाहिर करी हती, परंतु अत्यारे दारूनी होम डिलीवरी चाले छे। कांग्रेसे 10 लाख नौकरीओ अने 2500 रूपियाना बेरोजगारी भथ्थानुं वचन आप्युं हतुं, त्यारे शरमावुं जोईए कि तमे जे वचन आप्या छे ते पूरा नथी करी शक्या। राज्यना लोको चूंटणीने राह जुए अने तेवो भाजपनी सरकार बनावशे। देश की सामान्य जनता में एक तरफ गरीबी और बेरोजगारी वधी रही होवानी बुमराळ जोवा मळे छे, त्यारे तेनी वच्चे दिल्ली खाते केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादवे देश की प्रगति अंगे संकेत आपता एक निवेदन आप्युं। तेमणे मीडिया समक्ष जणाव्युं हतुं कि पीएफ रजिस्ट्रेशन में सतत वधारो थई रह्यो छे, ज्यारे संगठित क्षेत्र में रोजगारी वधे छे, त्यारे असंगठित क्षेत्र में रोजगारी वधवानुं सूचवे छे। ईएसआईसी द्वारा 2 वर्ष में होस्पिटल्स में 10,120 बेडनो वधारो करवामां आव्यो छे।
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डाए झारखंड गिरीहिद में योजना एक कार्यक्रम में कांग्रेस ने आड़ेहाथ लेता कहूं कि आखी दुनिया वडाप्रधान मोदी की सराहना करे छे। दुनिया देशों भारत वडाप्रधान ने बॉस और एक सक्षम लीडर तरीके सम्मान आपे छे, परंतु कांग्रेस ने पीएम की नीतीश की प्रशंसा पसंद नहीं। कांग्रेस चायवाला और अशिक्षित जो शब्द वापरे छे। आज अमेरिका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक मंदी की असर पहुंची है, परंतु भारत आर्थिक मंदी सामे पण अड़ीखम उभू छे। આસામમાં પૂરની સ્થિતિના કારણે 45,000 લોકો પ્રભાવિત થયા, જ્યારે 108 ગામ સંપર્કવિહોણા બન્યા। મોઈરાંગના બટાલગીલા ગામમાં 200 પરિવારો અટવાયા। છેલ્લા ઘણા દિવસોથી આસામમાં મુશળધાર વરસાદના કારણે બ્રહ્મપુત્ર સહિત અનેક નદીઓના જળસ્તર વધ્યા। પૂરના કારણે કુલ 310 હેક્ટર જમીન પર ઉભા પાકને નુકસાન પહોંચ્યું। છેલ્લા 24 કલાકમાં પૂરના કારણે 2 પાડા, 15 માર્ગ અને 2 બ્રિજને નુકસાન પહોંચ્યું। એનડીઆરએફ સહિત બચાવ દળની ટુકડીઓએ પૂરગ્રસ્ત ક્ષેત્રમાંથી 1280 લોકોને સલામત બહાર કાઢ્યા હતા। दिल्ली में मंडावली में स्थानिक वहीवटी तंत्र द्वारा डिमोलिशन ड्राइव में मंदिर एक हिस्सा ने दूर करने प्रयास कराता स्थानिक लोग द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन कर वहीवटी तंत्र तरफ से स्पष्टता आपवामां आवी कि तेमणे मात्र रेलिंग दूर करने की कामगिरी करी हती। पुलिस अधिकारी उश्केरायेला लोगों ने शांत कर्या हता। सुरक्षा कारणोंसर मंदिर परिसर की बहार अर्ध लश्करी दलों ने तैनात करवामां आव्या हता। पुलिस की हाजरी में मंदिर बहार लगावामां आवेली गैरकायदेसर रेलिंग ने दूर करवामां आवी हती। स्थानिक लोगों दावो कर्यो कि मंदिर वर्षो थी है और क्यारे कोई तेनी सामे फरियाद के वांधो नथी उठाव्यो। दिल्ली मंडावली में डिमोल्यूशन ड्राइव विषय दिल्ली में पीडब्ल्यूडी विभाग मंत्री आतिशी मालिनाए जणाव्युं कि आ कार्यवाही दिल्ली एलजी आदेश पर करवामां आवी छे। आतिशीए दावो कर्यो हतो कि आ डिमोल्यूशन ड्राइव प्रस्ताव गृह मंत्रालय धार्मिक बाबतोनी कमिटीए तात्कालिक उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आप्यो हतो। मनीष सिसोदियाए वखते डिमोल्यूशन ड्राइव ने मंजूरी आपी नहोती, जो कि दिल्ली एलजीए आ निर्णय ने पलटी दीधो और 10 वधु मंदिर तोड़वानो आदेश आप्यो हतो। દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં વરસાદે મંડાણ દીધા છે। રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં હળવો વરસાદ થયો તો આગામી 4 દિવસ હવામાન વિભાગે દિલ્હીમાં વરસાદની આગાહી કરી, સાથે આખરી ગરમીનો મારો પણ સહન કરી રહેલા લોકો માટે સારા સમાચાર આવ્યા। આઈએમડીએ પૂર્વોત્તર ભારતમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી। તમિલનાડુમાં મુશળધાર વરસાદ ખાબક્યો, જેના પગલે તમિલનાડુમાં ગરમીથી લોકોને રાહત મળી હતી। હવામાન વિભાગ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી વિગતો પ્રમાણે મુંબઈમાં ચોમાસાનું આગમન 24મી જૂન સુધી થઈ શકે છે। આવનારા દિવસોમાં ચોમાસું હવે રાયગઢ, મુંબઈ, થાણે અને પાલઘર તરફ આગળ વધશે। મુંબઈના હવામાન વિભાગના વડા એસજી કાંબલેએ જણાવ્યું કે 11મી જૂન સુધીમાં ચોમાસું રત્નાગીરી સુધી પહોંચી જાય તેવી શક્યતા હતી, પરંતુ બિપોર્જોય વાવાઝોડાની સ્થિતિના કારણે આગળ વધી શક્યું ન હતું। હવે સ્થિતિ અનુકૂળ હોવાથી ચોમાસું આગળ વધશે। મહારાષ્ટ્રના ઘણા ક્ષેત્રો હજુ પણ હીટવેવની સ્થિતિ છે। કેરળમાં ચોમાસું 8મી જૂને પહોંચ્યું હતું। હાલ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ચોમાસું ખેંચાતા ગરમી અને બફારાના કારણે શહેરીજનો ત્રસ્ત થયા। સુરતમાં મહત્તમ તાપમાન 34.6 ડિગ્રીએ પહોંચ્યું। શહેરની હવામાં ભેજનું પ્રમાણ 63% નોંધાતા બફારો વધ્યો। તેની વચ્ચે સુરતના વાતાવરણને લઈ હવામાન વિભાગે 26 જૂને ભારે વરસાદની આગાહી કરી। 27મી જૂને પણ શહેર સહિત આસપાસના છૂટોછવાયા। રાજકોટમાં બિપોર્જોય વાવાઝોડાના કારણે પીજીવીસીએલને મોટો ઝટકો લાગ્યો। વાવાઝોડાથી પીજીવીસીએલને 125 કરોડનો ફટકો પડ્યો। સૌથી વધુ જામનગરમાં 64 કરોડ નુકસાન થયું। સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારે પણ હજારો વીજપોલ ધરાશાયી થયા, તો સૌરાષ્ટ્રના 870 ગામડાઓમાં અંધારપટ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી। અમદાવાદના નારોલમાં વ્યાજખોરો વિરુદ્ધ નોંધાયેલી ફરિયાદ મામલે ખાસ એસઆઈટીની રચના કરવામાં આવી હતી। મુખ્ય આરોપી ધર્મેશ ઉર્ફે ધર્માત્મા પટેલની ટોળકીની તપાસમાં એક ડીસીપી, એક એસપી, એક પીઆઈ અને 5 કોન્સ્ટેબલ સ્ટાફ રહેશે। અત્યાર સુધીમાં નારોલ પોલીસે ધર્મેશની ગાડીમાંથી 23 કોથળા ભરી જમીનના દસ્તાવેજો કબજે કર્યા હતા। આ કેસમાં ફરિયાદીના નામ હોય તેવા વધુ બે આરોપી પ્રીત ઓઝા અને વિજય પાંડાની ધરપકડ કરવામાં આવી, ઉપરાંત મદદગારીમાં જેમનો રોલ આઉટ હોય તેવા વધુ 3 આરોપીની પણ ધરપકડ કરી જેલ હવાલે કર્યા હતા। વેરાવળ શહેર ભાજપની બેઠક સર્કિટ હાઉસ ખાતે કેન્દ્રીય મંત્રી ભાગવત કરાડ, સાંસદ રાજેશભાઈ ચુડાસમા તથા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ મહેન્દ્રભાઈ પીડડિયાની અધ્યક્ષતામાં યોજાઈ, જેમાં આગામી કાર્યક્રમો અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું। આ બેઠકમાં શહેર ભાજપ મહામંત્રી ડોક્ટર વઘાસિયા, દિલીપ બારડ, પૂર્વ પ્રમુખ માનસી પરમાર, પૂર્વ ધારાસભ્ય રાશીભાઈ ચોટવા, શહેર ભાજપ પ્રમુખ દેવાભાઈ ધારેચા અને નગરપાલિકા પ્રમુખ પિયુષ ફોફંડી, નગરસેવકો અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સુરતમાં રેલવે બોર્ડ દ્વારા મુસાફરોની સુવિધા માટે ટ્રેનના જનરલ કોચ સામે પાણીના બૂથ મૂકવામાં આદેશ જાહેર કરાયો। ટ્રેન સ્ટેશનથી 2-5 મિનિટ ઉભી રહે તે સમયે મુસાફરો પાણી લેવા માટે ટ્રેનમાંથી ઉતરે ત્યારે દોડાદોડી કરવી પડતી હતી, જેથી મુસાફરો સાથે અકસ્માત સર્જાતા હોય રેલવે બોર્ડ પરિપત્ર જાહેર કરી જનરલ કોચ સામે પાણી બૂથની વ્યવસ્થા કરવા સૂચના આપી હતી।
सूरत में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक साथ ठगाई करने केस में छासवाला दंपति की धरपकड़ कर कमीशन मेळवा 1.98 करोड़ लोन मेळवी हती जेना थकी 10 लाख कमीशन मेळवानुं हतुं। समग्र लोन कौभांड में बे आरोपी साथ कुल 16 लोगोनी धरपकड़ करवामां आवी। बैंक की शाखा मैनेजर साथ मळी 23 व्यक्तिओए कौभांड 38 करोड़ लोन लई एनपीए करी बैंक ने नुकसान पहुंचाड्यु हतुं। सूरत इकोसेले कल्पेश छासवाला और पत्नी उन्नति की धरपकड़ करी दंपतिए महेश कूंटेना नामे लोन लई 10 लाख कमीशन मेळव्युं हतुं। राज्य में बिपोर जो वावाजोड़ा की वच्चे 27 जिला 27,368 प्राथमिक शालाओं में शाला प्रवेशोत्सव की उजवणी करवामां आवी हती। राज्य में बिपोर जो वावाजोड़ा की असरवाला 6 जिला में शाला प्रवेशोत्सव मौकूफ राखवामां आव्यो। द्विदिवसीय शाला प्रवेशोत्सव अन्वये 315 जेटला वर्ग 1 और 2 ना अधिकारी सहित 46,600 की वधु अधिकारीए शालाओं की मुलाकात लीधी। धोरण 1 में कुल 2,30,000 बाळकोए तथा आंगणवाड़ी में 9,77,513 भूलकाओए प्रवेश मेळव्यो हतो। अमदावाद में आवेल निर्मा यूनिवर्सिटी द्वारा लाखों रूपया की फी लेवा छता नियम मुजब 25% गरीब विद्यार्थी ने टीएफडब्ल्यूएस में एडमिशन आपवामां न आवतुं होवाथी एनएसयूआई द्वारा विरोध करवामां आव्यो। आश्रम रोड खाते निर्मा हाउस की बहार धरना और सूत्रोच्चार कराया। एनएसयूआई नेता जणाव्या मुजब अन्य खानगी कॉलेजों की 15,000 रूपया में बीकॉम जेवा सामान्य कोर्स भणावामां आवे छे त्यारे निर्मा यूनिवर्सिटी लाखों रूपया में बीकॉम भणावे छे। आगामी दिवसों में आ मामले कोई निर्णय करवामां नहीं आवे तो हजू पण उग्र आंदोलन करवामां आवशे। अमदावादवासी पर मोंघवारी मार पड़ो। एमटीएस और वीआरटीएस बस भाड़ा में फरी एक बार वारो कर एमटीएस बस में मिनिमम भाड़ 3 रूपया है जारी 5 रूपया कर विद्यार्थिनी महीना पास 300 है जारी 350 कराया। ईएमटीएस मनपसंद पास पुरुष 35 रूपया 45 कराया। ईएमटीएस वीआरटीएस क्वार्टरली पास 2,000 रूपया 2,500 कराया। ईएमटीएस वीआरटीएस मनपसंद मंथली पास 750 से 1,000 कराया। नवो भाव वारो 1 जुलाई थी लागू कर। अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन की बैठक में विपक्षे बारो होबाड़ो मचाव्यो। गुरुवारे मळेली बैठक में विपक्ष सभ्यों हंगामो मचाव्यो हतो। गांधीनगर खाते पशुपालन मंत्री राघोजी पटेले गड़सूंधा ने रसीना प्रथम जत्था लोकार्पण कर्यु। पशुओं थता गड़सूंधा जेवा जीवलेण रोग सामे रक्षण आपवा माटे राज्य सरकार द्वारा आ रसी विनामूल्य आपवामां आवशे। महाराष्ट्र और कर्नाटक बाद गुजरात त्रीजु एक एवं राज्य है कि जेमां प्रथम तबक्का में गड़सूंधा ने रसीनुं उत्पादन शुरू करवामां आव्युं। अत्यार सुधी में 2,79,000 डोज तैयार करवामां आव्या छे। सायला बस स्टेशन में रेग्युलर कर्मचारी होवाना कारणे पास कढ़ावनार विद्यार्थियों ने भारी मुश्किली वेठवानो वारो आव्यो। पास नहीं निकलनाना कारणे विद्यार्थियों रूपया खर्ची अभ्यास करवा जवा मजबूर बन्या। पास नहीं निकलवाना कारणे वालीओ में रोष ने लागणी जोवा मळी। सायला तालुका में 1,100 विद्यार्थियों पास कढ़ावी अभ्यास माटे अपडाउन करे छे। हाईकोर्टे अमदावाद में हजारों सरकारी कर्मचारी हक लाभों ने असर करते चुकादो आप्यो। सरकारी कर्मचारी के अधिकारी नौकरी में निवृत्त थाय ते बाद जो कानूनी केस में सजा करवामां आवे तो सरकारी कर्मचारी पेन्शन बंद करी शके छे। गंभीर गुना में अदालत सजा करी होय तो पेन्शन अने कारणदर्शक नोटिस आप्या वगर तेनुं पेन्शन सरकार बंद करी शके छे। इंडस्ट्रीयल आल्कोहोल पर लेवामां आवती एक्साइज ड्यूटी मुद्दे हाईकोर्ट में अरजी करवामां आवी हती जेमां अरजदारे रजूआत करी हती कि इंडस्ट्रीयल आल्कोहोल पर राज्य सरकार एक्साइज ड्यूटी न लई शके। अरजदार द्वारा एक्साइज ड्यूटी जेवा मुद्दा करवामां आव्यो हतो। राज्य सरकारे बहार पाड़ेलू जाहेरनामुं बंधारणनी जोगवाईथी विपरीत छे अने आवी ड्यूटी लेवानी सत्ता मात्र केन्द्र सरकार पासे छे तो आ समग्र मामले 5 जुलाईए वधु सुनावणी हाथ धराशे। अमदावाद में एमसी की स्टेडिंग कमिटी की बैठक मिली। बैठक में चौमा दरमियान वॉटर लॉगिंग विस्तार में पानी भरावा समस्या सर्जाई थे तकेदारी रखा पूर्व विस्तार में उभराती ड्रेनेज की समस्या दूर करने सूचना अपाई। साथ G20 कार्यक्रमों योजना लई जरूर हो रोड प्राथमिक सुविधा कार्य करने सूचना आप। अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन में विपक्ष नेता ने बदलवा सूर उठा। अमदावाद महानगरपालिका बोर्ड की बैठक में विपक्ष नेता शहजाद पठान विरोधी जूथ कोर्पोरेटरो गैरहाजर रहा। बोर्ड की बैठक में विपक्ष की मोटाभागनी खुर्शीओ खाली जोवा मळता कांग्रेस आंतरिक जूथबंदी ने लई फरी एकवार सवाल उठा था। राज्य गृहमंत्री आईपीएस अधिकारी साथ बंद बाणे बैठक करी। अमदावाद शहर तमाम पुलिस अधिकारी बैठक में हाजर रहा। बैठक में आईपीएस डीवाईएसपी पीआई सहित तमाम कक्षा अधिकारी उपस्थित रहा। सूत्रों द्वारा मिली माहिती प्रमाण रथयात्रा संबंध में बैठक नु आयोजन कर। अमदावाद बापूनगर में हथियार की अन्य लूट की घटना बनी जेना सीसीटीवी सामने आया। त्रण शख्सों लूट करे बाद जता होय तेवा दृश्य सामने आया। बापूनगर में आवेला डायमंड मार्केट विष्णु क्रांति आघाड़िया पेढ़ी कर्मचारी लूटायो। कर्मचारी रूपड़ लई योगेश्वर पार्क जता
તે સમયે હથિયાર સાથે બાઇક પર આવેલા ત્રણ શખ્સોએ લૂંટ ચલાવી હતી। વડોદરામાં આવકવેરા વિભાગે કેમિકલ ઉદ્યોગપતિ પર દરોડા પાડ્યા। આવકવેરા વિભાગના સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં જ્વેલરી, રોકડ, રકમ, દસ્તાવેજો, લોકર મળી આવ્યા હતા। આવકવેરા વિભાગે તમામ દસ્તાવેજો અને લોકરની ડિજિટલ દસ્તાવેજ અને ચોપડા પણ કબજે કર્યા અને ચકાસણી શરૂ કરી। પ્રકાશ કેમિકલ અને કચ્છ કેમિકલ કંપની નિવાસસ્થાનો, યુનિટ ઓફિસ સહિત તે સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું। રાજકોટના ઈપીએફઓ ડેપ્યુટી કમિશનર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। એક માસ અગાઉ સરકારી કોન્ટ્રાક્ટરને પીએફના ઇસ્યુને લઈ 12 લાખની લાગણી માંગી હતી, ત્યારે ગાંધીનગર સીબીઆઈ ડેપ્યુટી કમિશનર લાત મેદાર વચુટીયા, ચિરાગ ચસાણીની અગાઉ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। ડેપ્યુટી કમિશનર સીબીઆઈમાં હાજર થઈ જતા ધરપકડ થઈ હવે કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડ લેવામાં આવશે। સુરેન્દ્રનગરમાં ખેરાળી રોડ પર આવેલ શ્રીહરિ ટાઉનશીપમાં ઘરમાં માતા પિતા સાથે સૂતેલા 13 વર્ષના આશીષ નામના બાળકનું અપહરણ કરી અજાણા શખ્સોના આશરે છૂટ્યા હતા। મુંબઈથી પરિવાર ધાર્મિક કામે સુરેન્દ્રનગર આવ્યો હતો ત્યારે ઘટના ઘટી હતી। ઘટનાને લઈ પરિવારમાં પણ શોક ફેલાયો હતો। ગોધરા તાલુકાના ખજુરી ગામે જમીનની હદ મુદ્દે ફાયરિંગ થયું, જેમાં શાબ્દિક ઘર્ષણ તથા સિકંદર નામના વ્યક્તિને લાયસન્સવાળી બંદૂકમાંથી 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું। ગોધરા તાલુકા પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી। સુરતના ઈચ્છાપુરમાં મહિલાના આપઘાત મુદ્દે પોલીસે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો દાખલ કર્યો। મહિલાએ આપઘાત કરતા પહેલા વીડિયો બનાવી પતિ સામે આક્ષેપ કર્યા હતા। પરિવારે પણ પતિ સહિત સાસરે પક્ષે માનસિક ત્રાસ આપતો હોવાનો આરોપ મૂક્યો હતો। અંકલેશ્વરમાં બે સગી બહેનોએ આપઘાત કર્યો હતો। અંકલેશ્વર રેલવે સ્ટેશનથી ભરૂચ જતા રેલવે ટ્રેક પર રાત્રિના અરસામાં ટ્રેન આગળ સુરૂચિ કુમારી પ્રસાદ અને સીમા કુમારી મહંતોએ પડતું મૂકી આપઘાત કર્યો। અંકલેશ્વર રેલવે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી। જેતપુરમાં પણીતાએ ગળે ફાંસો ખાઈ જીવન ટૂંકાવ્યું। નવાગઢના જાગૃતિપુરામાં રહેતી પણીતાએ અગમ્ય કારણોસર ઘરના પંખે લટકી આપઘાત કર્યો હતો। સુરતમાં 4 વર્ષની માસૂમ બાળકી સાથે દુષ્કર્મની ઘટના અંગે સુરત પોલીસ કમિશનર અજય તોમરે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી બાળકી પર દુષ્કર્મ આચરનાર આરોપીને કડકમાં કડક સજા થાય તેવી વાત કરી। પીડિત બાળકીની બાજુમાં રહેતા 20 વર્ષીય યુવાને દુષ્કર્મ આચર્યું હતું। બનાસકાંઠાના થરાદના ખોડા રોડ પર ગાંજો ઝડપાયો। એક્ટિવા લઈ જઈ રહેલ શખ્સને એસઓજીની ટીમે રોકી તપાસ કરી અને પોલીસે 2 કિલો 655 ગ્રામ ગાંજો ઝડપી પાડ્યો હતો। વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ તાલુકામાં ફરીકવાર લાંચ લેવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો, જેમાં નારગોલ મરીન પોલીસ મથકના હેડ કોન્સ્ટેબલ એસબીપી એક કેસમાં પતાવટ મામલે 20,000 રૂપિયાની માંગણી કરતા લાંચ લેતા ઝડપાયા હતા।